हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गुलाब जामुन, इसको आप काला जामुन भी बोल सकते हैं। तो ये काला जामुन बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, घर के चीज़ों से ही हम बनाएंगे। जी हाँ, दूध से ही हम काला जामुन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी सॉफ्ट बना है, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बना है हमारा। तो उसको काट के भी हम अंदर से दिखाते हैं। बहुत सारे टाइम में हम क्या होता है, गुलाब जामुन बाहर से तो ठीक ठाक दिखता है लेकिन अंदर से वो हार्ड पोर्शन एक रह जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी नहीं है, एकदम परफेक्ट बना है। तो ये गुलाब जामुन हम कैसे बनाए हैं तो चलिए देखते हैं। तो ये गुलाब जामुन बनाने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। पहले यहाँ पे देखिए मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले ली हूँ, उसको गर्म हो जाने के लिए रख दी हूँ। और हम यहाँ पे दूध इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 लीटर। तो फ्रेंड्स, इसको अभी हम बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए उसको पकाएंगे, खोया बनाएंगे। तो अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे से जलने लगेगा, इसका हम खास ध्यान रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो उसको थोड़ा और हम गाढ़ा करेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। तो चलिए, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खोआ हमारा बनके तैयार हो चुका है। और ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा हार्ड और हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको पहले हम ठंडा होने रख देते हैं, फिर इसका गुलाब जामुन बनाएंगे। और हाँ, चलिए चाशनी बना लेते हैं जल्दी से। चाशनी जब तक बनाएंगे तो ये भी ठंडा हो जाएगा। चाशनी बनाने के लिए हम 1.5 कटोरा चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1.5 कटोरा चीनी में हम 1.5 कटोरा पानी डालेंगे और उसको हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। चीनी को ना अच्छे से मेल्ट कर लेंगे हम पहले, उसके बाद हम उसका तो 2 या 3 तारे ऐसा हमको चाशनी नहीं बनाना है, बस हल्का एकदम चिपचिपापन आए बस उतना तक ही चाशनी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारा अच्छे से उबल रहा है। तो अभी हम डालेंगे 1 टुकड़ा नींबू का। नींबू आप ज़रूर डालें, नींबू डालने से ना वो जो क्रिस्टलाइज हो जाता है ना चीनी, फिर मिठाई के ऊपर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। वो डालने से एकदम परफेक्ट शाइनी गुलाब जामुन बनेगा हमारा। तो वो टुकड़ा नींबू डालना ज़रूर डालें आप, बिल्कुल भी उसको स्किप ना करें। अभी उसको हम 15 से 20 मिनट उबालेंगे। 15 मिनट हो चुका है और अभी हम चाशनी का टेस्ट करेंगे कि वो बना है कि नहीं। पहले तो हम नींबू को हटा देते हैं और उसमें डालेंगे हम 4 से 5 इलायची को हम घुट लिए हैं दरदरा, उसी का हम डालेंगे उसको। इलायची डालने से ना उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी हम उसका टेस्ट करके निकाल लेंगे। चाशनी हमारा बन गया है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारा बन गया है और ये ना पूरा गाढ़ा हो गया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस हाथ में थोड़ा चिपचिपा आना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना तो गुलाब जामुन हमारा हार्ड बनेगा, अंदर तक उसका चाशनी नहीं जाएगा। चाशनी तो हमारा बन गया, तो चलिए हम गुलाब जामुन बनाते हैं। और ये जो हम खोआ बनाए थे वो भी ठंडा हो चुका है, तो उसको हम निकाल लेते हैं प्लेट पर।
तो ये रहा हमारा खोआ, और खोआ में हम मिक्स करेंगे मैदा। तो 3 से 4 चम्मच हम मैदा का इस्तेमाल करेंगे। ये पहले हम 3 चम्मच डाल रहे हैं। मिक्स करने के बाद अगर मुझे लगेगा कि और चाहिए तो और थोड़ा हम यूज़ करेंगे। और ये है बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमको बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। जिस स्पून से हम मैदा का मेजरमेंट किए उसी स्पून से 1/4 हम बेकिंग पाउडर दिए हैं। और बेकिंग सोडा भी हम इस्तेमाल करेंगे, जितना बेकिंग सोडा उतना ही हम बेकिंग पाउडर जितना इस्तेमाल किए उतना ही बेकिंग सोडा भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिला के उसको हाथ की मदद से अच्छे से हम उसका एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिपक रहा है, तो यहाँ पे और 1 स्पून आप मैदा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वो फिर हाथ में चिपकेगा नहीं, एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। आराम आराम से हम उसको मिलाएंगे, और आपको लग रहा है कि हाथ में चिपक रहा है तो वो अपने आप ही वो छूट जाएगा, इसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। तो ये देखिए उसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। फाइनली हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम छोटा छोटा बॉल तैयार कर लेते हैं जल्दी से। उसको ना अच्छे से प्रेस करते हुए हम बॉल को बनाएंगे, उसमें जैसे क्राक बिल्कुल भी ना रहे हैं, वो बहुत आसानी से बन जाएगा, इसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। छोटा या बड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए बॉल बन के तैयार हो गया है। हम मीडियम साइज का बना रहे हैं, आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए बॉल हमारा बनके तैयार हो चुका है। 1/2 लीटर दूध में 10 बॉल बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। 2 चीज़ों का हमको ध्यान बहुत ज़्यादा रखनी होगी। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, और हम जब बॉल डालेंगे ना तब फ्लेम एकदम सी लो होनी चाहिए, और उसको लगातार पलटते हुए हम पकाएंगे। और सारे बॉल को हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो पलटने में दिक्कत होगा और हमारा टूटने का भी चांस है, तो गुलाब जामुन ख़राब हो जाएगा। एक साथ हम नहीं डालेंगे, जितना कम होगा 4 या 5 बॉल डाल के उसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 बॉल हम डाल लिए हैं, और लगातार उसको पलटते हुए पकाएंगे। तो उसका कलर देखिए कितना मस्त आया है। अगर आपको गुलाब जामुन बनाना है तो ये कलर परफेक्ट है, इसी टाइम आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे काला जामुन बनाना है तो थोड़ा सा हम उसका कलर डार्क करेंगे, ब्लैक कलर का करेंगे, तो इसीलिए मैं उसको रहने देती हूँ। तो आप चाहे तो इसी स्टेज पे भी उसको निकाल के चाशनी पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काला जामुन का कलर आ गया है। तो अभी उसको हम और थोड़ा पलट के निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। तो पास से आप देखिए कितना परफेक्ट गुलाब जामुन बना है हमारा। इसको हम तुरंत ही चाशनी में डाल रहे हैं, डाल देंगे। अभी प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए तो यहाँ पे देखिए चाशनी को हम फिर से गर्म होने के लिए रख दिए हैं गैस पे, और चाशनी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। उसी में हम गुलाब जामुन को डाल दे रहे हैं, गर्म गर्म चाशनी में गर्म गर्म गुलाब जामुन। ये देखिए उसको एक उबाल आने देंगे, बस बहुत ज़्यादा उसको उबालेंगे नहीं, इसका हमको खास ध्यान रखना होगा। और हाँ अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं ना तो उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है,
मतलब गरम चाशनी में आप डाल के उसका ढक के रख दीजिए। लेकिन मैं काला जामुन बना रही हूँ इसीलिए मुझे उबालना ज़रूरी है। मैं एक उबाल रख के उसको ढक के फिर रख दूँगी 45 मिनट्स तक। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारा उबल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लेट ढक देंगे और गैस का फ्लेम अभी तुरंत ही हम ऑफ़ कर देंगे और उसको नहीं उबालेंगे। तो चलिए बाकी का गुलाब जामुन भी तल लेते हैं वैसा ही सेम प्रोसेस में लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे देखिए सारा गुलाब जामुन हमारा बनके तैयार हो चुका है। उसको एक उबाल भी आने दे दिए हैं। इसी को अभी ढक के हम रख देंगे 45 मिनट्स तक, फिर उसको हम सर्व करेंगे। 45 मिनट्स हो चुका है और गुलाब जामुन हमारा ठंडा भी हो चुका है और अच्छे से फूल भी चुका है। चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हुआ है और लुक तो उसका अमेजिंग है। देखने से ही उसको खाने का मन हो रहा है ना। तो आप भी ज़रूर घर में बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए परफेक्ट गुलाब जामुन, पूरा बाज़ार जैसा, दुकान जैसा है ना। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ऊपर से सॉफ्ट अंदर से भी जूसी। आप देख रहे हैं चाशनी कैसे नीचे से निकल रहा है और कट के भी दिखा रहे हैं आपको, अंदर एकदम परफेक्ट बना है। ये देखिए मुंह में डालने से ना तुरंत ही घुल जा रहा है, इतना टेस्टी बना है। तो ये देखिए आप घर में ज़रूर बनाइए इसको। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड लॉट्स ऑफ लव। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।